नमस्कार दोस्तों, यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने गेल का जो केस है उसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया था, और गेल का केस NCLAT में चल रहा है, उन्होंने अपील किया, लेकिन उसका कोई भी किसी भी तरीके से रेजोल्यूशन प्लान जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसमें कोई भी स्टे नहीं है, किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं है। ये बात आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी तरीके का स्टे इसमें नहीं लगाया है NCLAT की तरफ से भी। अब जो आलोक इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं, ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग है, और आपको बहुत सारी चौंकाने वाले बातें इसमें देखने को मिलेंगे। तो मैं आपके सामने रिजल्ट थोड़ा प्रस्तुत करूँगा। आपको सामने में दिख रहा है, आपका प्राइस अभी चल रहा है 3.71 और इसका EPS 16.67। ये कैसा है, ऐसे हो सकता है क्या? तो देखते हैं, अर्निंग पर शेयर 16.67 है, अभी का जो रिजल्ट शो कर रहा है वो डिक्लेयर्ड है, और इसमें प्रॉफिट कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ये साल में। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपस्टॉक्स, जीरोधा या ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपस्टॉक्स और जीरोधा में, अपस्टॉक्स और ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन में अभी प्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग ऑफर चल रहा है, तो आप इमिडिएटली रजिस्टर करके इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। अपस्टॉक्स का जो लास्ट डेट है ख़त्म होने वाला है कुछ ही आवर्स में, तो आप इसका बेनिफिट जरूर उठाइए। कुछ भी क्वेरी डाउट होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे। चलिए रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। ये NSE को और BSE को सबमिट किया है रिजल्ट्स 14 जून को कंपनी की तरफ से। स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी टिल 31 मार्च 2019, और ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स उनका भी रिपोर्ट इसमें लगा हुआ है। 4-5 स्टेटमेंट्स इसमें जो भी ऑडिटर्स स्टेटमेंट मॉनिटरिंग कमेटी का जो भी ये है तो सारा डिटेल है। तो ये रिजल्ट आप देखेंगे, तो पहला आप ये क्वार्टरली रिजल्ट देखें। 31 दिसंबर 2018 उसमें 675 करोड़ का टर्न ओवर था, और 675 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो इम्प्रूव होके 770 करोड़ हो गए हैं। अदर इनकम 75 करोड़ के आसपास था, वो 45 करोड़ हो गए हैं। तो टोटल इनकम 31 दिसंबर 2018 को 751 करोड़ था, वो बढ़ के 816 करोड़ हो गया। देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल से टोटल एक्सपेंसेस आप देखेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 506 करोड़ था, वो 517 करोड़। अदर जो भी है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो भी है 61.68 था, वो 64.94 हो गया। फाइनेंस कॉस्ट रेपर नोट 3 बोला है 868.93, पहला था 1091.22। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 132.74, अर्लियर 136.87। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। तो टोटल एक्सपेंस हुआ है तो इसमें -940 आ रहा है करंट क्वार्टर में। सो 940 और एक्सेप्शनल आइटम जो है 7045.19 करोड़ का है। सो इसका जो नेट प्रॉफिट जो आ रहा है 6104.94 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है इसमें, ठीक है। सो इसका जो EPS इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो EPS आ रहा है 44.90। ये देख सकते हैं कि इस क्वार्टर का EPS 44.90। अभी हम एनुअल रिजल्ट्स में चलते हैं, ये एनुअल रिजल्ट यहाँ पे हैं, ठीक है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों भी आप देख सकते हैं, साइड बाय साइड रखा है। सो लास्ट ईयर
कंपैरिजन में लास्ट ईयर का टर्नओवर था 5381.95 करोड़। तो हम लोग सीधा कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को रिव्यू करते हैं, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड में। कंसोलिडेटेड में इनका जो सब्सिडरीज है वो भी कंसिडर होता है, तो उसलिए स्टैंड अलोन को ही देखते हैं। सो लास्ट ईयर 5562, दिस ईयर 3352 करोड़ हुआ है। और जो अदर एक्सपेंसेस टोटल जो इनकम है 3370, और इसका टोटल एक्सपेंसेस जो है 8339.66 देख सकते हैं। सो जो इसमें आप एडजस्टमेंट जो देख रहे हैं, इसमें जो एडजस्टमेंट के बाद नोट्स है इसमें कुछ कुछ, वो नीचे में नोट दिया गया है। सो ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट आ रहा है 2075 आफ्टर सब एडजस्टमेंट, जो पैट आ रहा है, नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, नेट प्रॉफिट है 2076.16 करोड़। और उसके अकॉर्डिंगली जो ईपीएस आ रहा है 15.17 रुपीस का ईपीएस आ रहा है। लास्ट ईयर जो माइनस में था, इस ईयर में 15.17 का। और स्टैंड अलोन में जो ईपीएस आ रहा है 16.67, ओनली अलोक इंडस्ट्रीज का अगर एग्जांपल लेंगे तो 16.67 करोड़ का ईपीएस आ रहा है। ठीक है, स्टार मार्क है वो नॉट एनालाइज यहाँ पे मार्क किया हुआ है। द पॉजिटिव ईपीएस फॉर द क्वार्टर एंड फॉर द ईयर एंडेड इज ऑन अकाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट प्रोविजन एज एक्सप्लेन इन नोट 3। ये पॉजिटिव ईपीएस आया है क्योंकि इंटरेस्ट रिवर्सल हुआ है इसके लिए। सो ये ईपीएस बहुत ही ज़बरदस्त है, कुछ भी हो जाए कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 6107 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त नतीजे अभी फिलहाल इसके अकॉर्डिंगली तो हमको लग रहे हैं। आगे देखते हैं, अब ये असेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट को देखेंगे। तो असेट और लायबिलिटी को देखते हुए तो लास्ट ईयर का जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रेफर नोट बहुत सारा है इसका आपको पढ़ना पड़ेगा। सो इसका जो टोटल असेट्स जो है 17,816 करोड़, स्टैंड अलोन ही देखते हैं 17,200, मतलब असेट में डिप्रिसिएशन कुछ 500 करोड़ के आसपास दिख रहा है। इधर देखने से इधर भी 500 कंसोलिडेटेड में दिख रहा है। इन्वेंट्रीज करंट असेट जो भी मिला के तो 17,899 करोड़ के आसपास असेट है, और कंसोलिडेटेड 18,016 करोड़ के असेट है। तो बहुत ज़बरदस्त असेट कंपनी के पास है। नीचे जाने से नीचे आप देखेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 1,368.64 करोड़ का है। और ये अदर इक्विटी में जो माइनस फिगर दिखाया हुआ है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटस में है, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देन लायबिलिटीज बोरोइंग्स 5,870.72 करोड़ का लायबिलिटीज करंटली दिख रहा है, और वो कंसोलिडेटेड इसमें देखेंगे तो 6,125 का दिख रहा है करोड़ का। सो ये हो गया लायबिलिटीज। देन बोरोइंग्स, ये बोरोइंग्स का फिगर्स कैसे आ रहा है उसको थोड़ा अभी जो रिजोल्यूशन प्रोसेस के बाद का फिगर एडजस्टमेंट वो कंफ्यूजन का स्टेटस इसमें अभी भी बना हुआ है, उसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। 16,947 करोड़ का अभी भी बोरोइंग्स इसमें दिखा रहा है। उसके बाद ट्रेड पेएबल्स, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज, तो ऐसा मिला के टोटल लायबिलिटीज जो है 24,789 करोड़ का है। तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है 18,000 करोड़ के आसपास इसमें दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस, इसको आपको ये नोट्स बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तब क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे जो इम्पेक्ट है उसमें ये क्लियरली लिखा है कि जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो चल रहा है उसके डिटेल उसमें लिखा है।
और इसमें पर्सन टू अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान ए मॉनिटरिंग कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 12 मार्च 2019 टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड टू मेंटेन द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न. सो एक मैनेजिंग मॉनिटरिंग कमिटी इसमें काम कर रहा है और अपॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान टोटल प्लान आउटले 6,252 करोड़. उसमें पेमेंट टू फाइनेंशियल क्रेडिटर्स 5,052 करोड़ है और पेमेंट टूवर्ड CIRP कॉस्ट जो 700 करोड़ के आसपास है. पेमेंट टूवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर 500 करोड़ के आसपास. ये सारे चीज डिटेल में डिस्कस किए थे. उसको चाहिए तो और एक वीडियो बना दूंगा. ये पूरा कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल जो RIL कैसे कैसे फंड्स इंक्लूज करेगा वो डिटेल्स भी इसमें दिया है. देन जो अपील किया है और RBI का अप्रूवल पेंडिंग है उसके बारे में भी दिखा यहाँ पे दिया है. RBI अप्रूवल अवेटेड है और कंडीशन वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए है. सो अभी तक RBI का अप्रूवल आया नहीं है और जो कुछ क्रेडिटर्स ने जो NCLAT में अप्लाई किया है उसके बारे में भी दिखा है और उसमें वो केस वहाँ पे पेंडिंग है हियरिंग के लिए. लेकिन कोई स्टे NCLAT की तरफ से नहीं है प्लान इम्प्लीमेंटेशन के लिए. ये यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है. सो ये डाउट भी आप निकाल लीजिए. जैसा कि आपको मैंने बताया था गेल का केस आया है. गेल का केस में उतना दम नहीं है बट नेक्स्ट अगेन बहुत सारा इसमें डिटेल में लिखा गया है. उसको हम नेक्स्ट और एक वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे. ऑडिटर्स का भी कमेंट यहाँ पे लगा हुआ है. इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के भी रिजल्ट पूरा उनका फुल ओपिनियंस क्या क्या है वो पूरा प्रस्तुत इसमें है. तो आप डिटेल में जाके NSE इंडिया के वेबसाइट में या BSE इंडिया के वेबसाइट में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ये भी रिजल्ट अपलोडेड हैं. इसको जाके डिटेल में पढ़ लीजिए और हमको टाइम मिलने से आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे. ये ऑडिटर्स का समरी जो इस साल का रिजल्ट का जो उन्होंने दिया है टोटल टर्न ओवर 3,253.08, टोटल एक्सपेंडिचर 8,016.15, एक्सेप्शनल आइटम 7,045.19, नेट प्रॉफिट 2,282.12, अदर कॉम्प्रेंसिव इनकम 1.69, टोटल कॉम्प्रेंसिव इनकम 2,283.81, अर्निंग पर शेयर 16.67. ये इन्होंने डिक्लेयर किया है. और टोटल असेट जो है कंपनी का 18,000 करोड़ जो ऑडिटर्स ने भी माना है 17,899.85 करोड़. और टोटल लाइबिलिटीज इसमें जो दिखा है 30,822.03 करोड़. नेट वर्थ 12,922.18. ये माइनस में दिखाया गया है. ये माइनस में क्यों दिखाया है इसके बारे में हम चर्चा थोड़ा डिटेल में स्टडी करके आपको एक्सप्लेन करेंगे. एक दो दिन के अंदर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा. सो दोस्तों ये शेयर करने के लिए आपके साथ ये वीडियो बनाया. थैंक यू दोस्तों. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को.